बीते दिन पटियाला हिंसा तो बाद इस मामले का जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने संज्ञान लेंदे हुए अज वख वख जथेबंदियों श्री अकाल तख्त साहब से बुलाया है और इत्थे मीटिंग हो रही है। उन्हां नाल विचार वटांदरा किया जा रहा है कि इस घटना के जिहड़े दोष लग के पकड़े गए ने परवाना ते होर जिहड़े सिख पकड़े गए ने उन्हां ते विचार की जाएगी और विचारां दे विच इह वी देखा जाएगा कि इस घटना के पिछे कौन सीगा जे इन्हां नूं किस नूं कहा गया सीगा किस समय के नाल किस कारण करके गई सी। मैं दसना चाहवांगा कि पटियाला की जिहड़ी घटना वापरी है उहदे विच हिंदू अते सिख दे विचकार एक टकराव पैदा हो गया सीगा, जिस तरह कि काली माता मंदिर के बाहर ये जिस तरह टकराव होया सीगा उस तो बाद एक पैदा हो गई स्थिति वेखते हुए कि स्थिति को जांचन लई पखन लई कोखन लई जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने इसका संज्ञान लिया है और जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने सारिया जथेबंदियां जड़िया जिन्हां दे नुमाइंदे नूं गिरफ़्तार किया गया है जिन्हां दे बंदियां नूं गिरफ़्तार किया गया उन्हां इत्थे बुलाया है जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने और इस घटना बारे इस घटना के कारणों के बारे इस घटना के बाद जिहड़ी जिस तरह कार्रवाई हुई है उसके उत्ते विचार करने लिए जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने जथेबंदियों अज इत्थे बुलाया है। पटियाला पिछले दिन जो घटना वापरी है जिसका सारे वर्ल्ड का ध्यान वर्ल्ड के मीडिया का ध्यान इस वक्त गया है वो एक पंजाब के शांत माहौल असी सरकार भी सारिया धिर भी अपील करा कि इस तरह घटनावां अगों ना हो इसलिए पूरा ध्यान दिता जाए और जिहड़े दोषी ने उन्होंने सजावां दित्तियां जाण क्योंकि जब किसी भी तरह की ढिल होंगी इसलिए उस घटना का सारा ही जिहड़ा है मुलांकन जथेदार श्री अकाल तख्त साहब कर रहे हैं और असी भी जो अपन राव देनिया से उन्होंने दे के हूँ असी जो फ्लाइट साड़ी पटना साहब वापसी है तो फिर गुजारिश करांगे भी जितनिया भी जिम्मेवार संस्थावां ने वो सरकार है प्रशासन है होर लोग ने क्योंकि पंजाब एक इस तरह की धरती है जिथे सारिआं दा रज के सन्मान हर मनुख का हर मजहब का हर व्यक्ति का हर भाषा का गुरु साहब वालों सन्मान किया गया जिन्ना जिन्ना भी एक दूजे के सन्मान में जीवांगे उन्ना ही ज़्यादा सुखदायक होएगा तो जे अपमान कर चलांगे तो वह साढ़े लिए साढ़े पंजाब लिए साढ़े देश लिए और साढ़े जीवन लिए दुखदाई होएगा। इसलिए फिर तो मैं सरकार नूं प्रशासन नूं और सारिया ही धार्मिक संस्थावां नूं गुजारिश करदा कि जिहड़ा माहौल है उन्हूं किसी हद तक किसी कीमत तक किसी कीमत पर भी विगड़न ना दिता जाए वो माहौल सुखावा बनया रहे बस मेरी इन्नी ही बेनती है। वाहिगुरु जी का आखिरी सवाल परजिंदर सिंह परवाना नूं जिहड़ा है मुख दोषी करार दिता गया है प्रशासन वालों कि अज उस नूं लैके भी सिख जथेबंदियां दे विच कोई असीं कह सकते हैं कि जज्जा साहब वालों कोई फैसला आ सकता है उस नूं लैके कि मुख दोषी हन जां नहीं हन विचार अंदर कर रहे ने जथेदार साहब मेरी बात फोन करके मैं जल्दी उन्होंने अपने सुझाव दे के दिया जो भी उसके बारे कहना होगा जथेदार श्री अकाल तख्त साहब का। मैं दसना चाहवांगा कि कल सुखबीर सिंह बादल वालों भी इस घटना के घटना के मद्देनज़र पंजाब के राज्यपाल भी मिल के उस उन्हां नाल भी गल की गई है। सो इसका संज्ञान लेंदे हुए श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अज एक श्री अकाल तख्त साहब के सैक्रटेट विखे एक कट सद्या है जिस वक् वक् जथेबंदियों उन्होंने विचार ते उन्हां नाल विचार किया जाएगा और इस मामले के उत्ते की कार्रवाई करनी है किस तरह करनी है उत्ते विचारां उत्ते बाद चर्चा की जाएगी। कैमरा परसन विपन दे नाल ज्योति बहल दैनिक सवेरा टीवी अमृतसर। भारत दे नंबर 1 तांत्रिक गुरु शाम जी बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट चौंटा शक्तियां दे माहिर बंगाल तो सिद्धि प्राप्त हर जगह तो निराश ते मायूस भैन भरा एक बार जरूर फोन करो हर समस्या का हल घर बैठे फोन ते माई प्रोमिस 100% रिजल्ट लव मैरिज सौंकण दुश्मन तो छुटकारा पति पत्नी च कलेश कीता
किराया, विदेश यात्रा, नौकरी कारोबार परेशानी, कोर्ट केस, रुस्से नु मनाना होवे ता हुने फोन कमाओ, 101% पक्का समाधान पाओ। मां वशीकरण ते मां मुटकरण दे सुपर स्पेशलिस्ट गुरु शान जी बंगाली 9958635478।